हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मोहन आपकी यूट्यूब रेडियो सीरियल एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखें साउथ वेस्टर्न रेलवे का AOM का क्वेश्चन पेपर। यहाँ AOM का पेपर देखेंगे और ये एग्जाम हुआ था 3 अप्रैल 2022 को एग्जाम हुआ था। समय आपका 2 घंटा दिया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ग्रुप बी का लेवल का एग्जाम था। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, सेक्शन ए में क्या पूछा गया था। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। लिखा हुआ है स्पैरो का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रेल सेवा निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है, तो इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है, दी रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 किस विषय से संबंधित है, तो है पेनाल्टीज प्रोसीजर अपील रिसीव रिवीजन एंड रिव्यू इत्यादि से है। ऑप्शन नंबर ए सही है, पेनल्टीज प्रोसीडिंग प्रोसीजर अपील रिवीजन एंड रिव्यू। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी शास्त्र के लिए कौन सा मानक प्रपत्र किया जाता है, तो ESF 5 का प्रयोग किया जाता है। ESF 11 जो किया जाता है छोटी शास्त्र के लिए किया जाता है, और ESF 6 जो किया जाता है विश्वसनीय दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देने से इनकार करना। विश्वसनीय दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देने से इनकार करना ESF 5 होता है। ESF 5 बड़े जुर्माने के लिए चार्जशीट ज्ञापन होता है, बड़े जुर्माने के लिए चार्ज ज्ञापन होता है। ESF 11 होता है मामूली जुर्माने के लिए चार्जशीट। अगला क्वेश्चन है, यदि यदि अपॉइंटमेंट अथॉरिटी उपलब्ध ना हो तो किस अधिकारी को अनुशासन नियम में अपॉइंटमेंट अथॉरिटी माना जाएगा, तो महाप्रबंधक को। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वप्रथम अनुसूचित जाति एवं जनजाति को सीधी भर्ती में आरक्षण किस वर्ष दिया गया था, वो तो 1950 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग को किस वर्ष 27% आरक्षण सरकारी सेवाओं में दिया गया, 1993 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त की उम्र 60 साल किस वर्ष से की गई थी, 1998 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया लीव कंसेशन सुविधा दी जाती है 4 साल में एक बार। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन दिया जाता है 4 साल में एक बार। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, HRMS का पूर्ण रूप क्या है, ह्यूमन रिसोर्स रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे सेंट्रलाइजेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तो ELBSNAA नहीं है। ऑप्शन नंबर बी नहीं है। यहाँ पर आपका फुल फॉर्म, नायर का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे होता है ELBSNAA, और ये कहाँ है, वडोदरा में है। ये पूछा जाता है, ये एग्जाम कंडक्ट कराता है नायर। A और B लेवल के एग्जाम होते हैं इससे। ये क्वेश्चन आपका है, इसका ये फुल फॉर्म है, ये नहीं है। पूछ रहा था निम्न में से कौन सा रेलवे सेंट्रलाइजेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तो ELBSNAA नहीं है। तो इसका भी फुल फॉर्म देखिए, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये उत्तराखंड में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उत्तराखंड में स्थित है। ये भी पूछा, IRISTE का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट।
इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियर एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सिकंदराबाद में स्थित है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सिकंदराबाद में स्थित है। और IRICEN का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर पुणे में स्थित है। तो ये पूछा क्या क्या गया था, पूछा गया था निम्न में से कौन सा रेलवे सेंट्रलाइजेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। तो लाल बहादुर इंस्टीट्यूट नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उत्तराखंड में है, ये नहीं है। नायर है, बड़ोदरा में स्थित है। इसका भी फुल फॉर्म नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। और IRICET का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ये होता है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियर एंड टेलीकम्युनिकेशन सिकंदराबाद में स्थित है। IRICEN का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ये होता है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट सिविल इंजीनियर पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दया आधार अलाउंस निम्न को दिया जाता है। तो नौकरी से जो निकाला गया कर्मचारी होता है उसे दिया जाता है। दया आधार अलाउंस निम्न में से किसे दिया जाता है, तो रिमूव एम्प्लॉय को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, वेस्ट अमंगस्ट फेल्यूअर स्कीम किस सिलेक्शन में जारी किया जाता है। गैर संरक्षा कोटी सिलेक्शन में, मतलब सिलेक्शन ऑफ नॉन सेफ्टी कैटेगरी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर स्थापना विभाग में उपयोग नहीं होता है। तो IREPS नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी नहीं होता है। इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है। IPAS का इंटीग्रेटेड पोलराइज्ड एंड अकाउंटिंग सिस्टम होता है। और ARPAN का भी फुल फॉर्म होता है, एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क होता है। और IREPS जो होता है, इंडियन रेलवे प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ये चार में से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। IPS का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। ARPAN का फुल फॉर्म एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क। IREPS जो होता है, इंडियन रेलवे प्रोक्योरमेंट सिस्टम। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सॉफ्टवेयर स्थापना दिवस में उपयोग नहीं होता है। तो IREPS नहीं होता है, इंडियन रेलवे प्रोक्योरमेंट सिस्टम नहीं होता है। नेक्स्ट, एक महिला कर्मचारी को रेलवे में कितना अतिरिक्त अवकाश दिया जाता है। तो 180 दिन, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्थानांतरित हुए रेल कर्मचारी को निम्न मिलता है। तो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। अगला क्वेश्चन है, उम्मीद कार्ड इज रिलेटेड, तो मेडिकल अटेंडेंस से होता है। उम्मीद का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, RRB का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्शन पैनल की आवधिकता क्या होती है। 24 महीने, 2 साल होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय मुख्यालय में लेखा यातायात किसके अंतर्गत होता है। तो ये होता है आपका FA&CAO के अंतर्गत आता है। फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर होता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर होता है। अगला क्वेश्चन, सीनियर EDPM रिपोर्टेड टू, तो PFA, तो ये इसका भी फुल फॉर्म जानिए। PDPM क्या होते हैं, ये सीनियर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मैनेजर होता है। ये सीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग मैनेजर होता है। और रिपोर्ट किसको करता है, PEA PFA को। PFA प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। जी फॉर जनरल मैनेजर, डी फॉर DRM डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है। और PCS
टीई का भी फॉर्म देख लीजिए, प्रिंसिपल चीफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, प्रिंसिपल चीफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। पूछा क्या गया था? पूछा वरिष्ठ ईडीपीएम किसे रिपोर्ट करता है? तो ये करता है प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर को। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी अधिकारी किसे रिपोर्ट करता है? पीएफए को। तो प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर को रिपोर्ट करता है। और पीसीएम प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर, जीएम जनरल मैनेजर होता है, डीआरएम डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, सीएजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल। अगला क्वेश्चन है, ड्राफ्ट पैरा निम्न द्वारा जारी किया जाता है? तो पीडीए के द्वारा जारी किया जाता है, प्रिंसिपल डायरेक्ट एडिटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, डिमांड ड्राफ्ट ग्रांट निम्न के लिए होता है? तो ये होता है एलोकेशन ऑफ फंड, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन था, राजपथ पर लेखा चार्ज एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या टेंडर का प्रकार नहीं है? तो क्लोज टेंडर नहीं होता है, ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर और सिंगल टेंडर भी होता है, क्लोज टेंडर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति निम्न द्वारा की जाती है? तो डीआरएम के द्वारा, डिविजनल रेलवे मैनेजर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेल कर्मचारी को ईएलएपी निम्न हिसाब से जमा होता है? तो महीने के 2.5 दिन के हिसाब से, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम ईएलएपी अवकाश में जमा किया जाता है? 300 दिन, ऑप्शन नंबर डी सही है। सेक्शन बी में क्या पूछा गया? सेक्शन बी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ईएमआरबी और एआरडी के सतर्क किया जाएगा यदि कोई पैसेंजर गाड़ी समय के चलने के बाद भी ब्लॉक सेक्शन तक नहीं पहुंचता है तो 10 मिनट तक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न के आदेश के बिना मेडिकल रिलीफ ट्रेन एक बार आदेश देने के बाद रद्द नहीं की जाएगी? डीआरएम के आदेश अगर देता है तो रद्द नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो दुर्घटना सारण के बीच अंतराल की अवधि क्या है? 30 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्घटना राहत ट्रेन का निरीक्षण डिपो के अधिकारियों द्वारा किस अंतराल में किया जाएगा? 1 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित अधिकार के बिना ब्लॉक सेशन में प्रवेश करना किस वर्ग के तहत दुर्घटना माना जाएगा? ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, ऑप्शन नंबर बी सही है। सिग्नल पासिंग डेंजर की दुर्घटना का वर्गीकरण क्या है? एच में, ऑप्शन नंबर बी सही है। दुर्घटना के दौरान यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी नजर में उपलब्ध नहीं है तो स्थल का अधिकारी कौन होगा? तो ट्रेन मैनेजर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। रेलवे दुर्घटना के कारण किसी यात्री की मृत्यु के मामले में जांच किसके पास होता है? तो सीआरएस के पास होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, यार्ड दुर्घटना के मामले में जांच कौन करेगा? तो सीनियर सुपरवाइजर करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, आगे के 3 घटक क्या है? तो ऑक्सीजन, हीट और इंजन, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा आग बुझाने वाला यंत्र सभी प्रकार की आग को बुझा सकता है? तो सूखी पाउडर आग बुझाने का शामक यंत्र है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेनों के प्रवेश को अगले ब्लॉक सेक्शन में नियंत्रित करने वाले स्टेशन का एक निश्चित स्टॉप सिग्नल होता है, लास्ट स्टॉप सिग्नल, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कैश साइडिंग का प्रावधान अनिवार्य है जहां स्टेशन सेक्शन का फॉलिंग ग्रेडियंट की तुलना में अधिक कठोर है? 1:18, ऑप्शन नंबर ए सही है, 80 में 1। अगला क्वेश्चन है,
यात्री गाड़ी में आग लगना किस दुर्घटना वर्गीकरण में आता है? बी में आता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ट्रेन में गिरने वाली व्यक्ति को दुर्घटना के किस वर्ग के रूप में जाना जाता है? पी वर्ग में। ट्रेन से गिरने वाले व्यक्ति को दुर्घटना के किस वर्ग के रूप में जाना जाता है? पी वर्ग में। अगला क्वेश्चन है, वैगन यूटिलाइजेशन को निम्न में मापा जाता है? तो वैगन किलोमीटर प्रति वैगन डे, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा अधिकारी द्वारा निरीक्षण ARME स्केल 1 की अवधि क्या है? 3 महीने में एक बार, ऑप्शन नंबर बी सही है। दुर्घटना कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? टोटल 16 प्रकार से, ऑप्शन नंबर सी सही है। डेरेलमेंट दुर्घटना किस श्रेणी में आता है? डी में आता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग अनुपात को निम्न के लिए मापा जाता है? वित्तीय प्रवीणता के लिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इफिशियंसी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, NTKM का मापन निम्न में नहीं होता है? तो मेजरिंग ट्रैक यूटिलाइजेशन में नहीं होता है। यहाँ पर क्या क्या होता है? इम्प्रूविंग औसत वैगन लोड ऑन रन, इम्प्रूविंग औसत स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन, इम्प्रूविंग रेशियो ऑफ लोडेड वैगन विथ टोटल वैगन किलोमीटर, ये तीनों हैं। लास्ट वाला नहीं है, मेजरिंग ट्रैक यूटिलाइजेशन। अगला क्वेश्चन पूछा, यदि संपत्ति का नुकसान इतने रुपए से अधिक हो तो दुर्घटना को गंभीर माना जाएगा? 2 करोड़, ऑप्शन नंबर डी सही है। लदान के लिए खाली रैकों का अलाइनमेंट निम्न के द्वारा किया जाता है? PTO के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही है। यात्री गाड़ी के लिए ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का प्रतिशत कितना होता है? 100%, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, CTPM की जिम्मेदारी क्या है? प्लानिंग एंड ट्रैफिक फैसिलिटी वर्क, ऑप्शन नंबर सी सही है, प्लानिंग एंड ट्रैफिक फैसिलिटी वर्क। अगला क्वेश्चन है, यातायात में गंभीर रुकावट क्या है? 24 घंटे संचार की लाइन के मध्य से रुकावट, ऑप्शन नंबर डी सही है। फॉइस क्या है? तो फॉइस फ्लाइट ऑपरेशन है, फुल फॉर्म पूछा जाता है, फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है, रनिंग स्टाफ को आवधिक आराम पर दिया जाता है मुख्यालय पर, ऑप्शन नंबर सबसे अधिक आराम कहाँ दिया जाएगा? मुख्यालय पर। अगला क्वेश्चन है, फुट ओवर पुल की जरूरत होती है तो ये सभी होती क्या क्या था? हाई लेवल प्लेटफॉर्म ऑन बोथ प्लेटफॉर्म, हाई लेवल प्लेटफॉर्म नेट 1 लाइन, वाई लो लेवल ऑन अदर, और हाई लेवल प्लेटफॉर्म एट ऑल प्लेटफॉर्म ऑफ द रेलवे स्टेशन, तो ये तीनों होता है। अगला क्वेश्चन है, UBL दक्षिण पूर्व के पूर्व रेलवे के निकटतम राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल की कमान किसके पास है? पुणे के पास में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, GCT पॉलिसी का फुल फॉर्म क्या है? तो गतिशक्ति मल्टी मॉडल कैरेज टर्मिनल पॉलिसी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, DRUCC का मीटिंग इज हेडक्वार्टर बाई DRM, DRUCC मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? DRM करता है। इसका फुल फॉर्म डिविजनल रेलवे यूजर कंसुलेटिव कमेटी होता है। फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, DRUCC। DCM का फुल फॉर्म क्या होता है? डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर। अगला क्वेश्चन है, माननीय रेल मंत्री का नाम क्या है? अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर सेक्शन कंट्रोलर को एक में वर्गीकृत किया गया है गहन रोस्टर में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ESR में करेक्शन करने के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे में अधिकृत अधिकारी कौन होता है? PCM होता है, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, CRS का फुल फॉर्म पूछा गया तो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, PED
क्या भारतीय रेल स्तर पर माल गाड़ी संचालन रोजाना कौन करता है? तो APED और TTM करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, रोस्टर का अर्थ क्या है? ड्यूटी के घंटे, दैनिक आराम, साप्ताहिक आराम, दिखाते हुए दस्तावेज। ऑप्शन नंबर सी सही है। HOER का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आवर्स ऑफ एम्प्लॉय रूल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAG-7 लोगों का हॉर्स पावर कितना होता है? 5,000 होता है। अगला क्वेश्चन है, सिविल वन लोडिंग और अनलोडिंग के लिए किसके द्वारा लगाया जाता है? तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब 100 ट्रैक पर मिले तब क्या करेंगे? ट्रेनों की आवाजाही के लिए 100 को हटाया जाएगा, 100 को RPF का प्रभारी छोड़ा जा सकता है, 100 को ELC गेट को सौंपा जा सकता है। तो ये तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। सत्संग निम्न के लिए उपयोग किया जाता है? तो गाड़ी यात्रियों के समय निर्धारण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मिल रेल किस मंत्रालय में आता है? तो रक्षा मंत्रालय में आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सिंगल एग्जिस्टिंग स्टेशन से EMRV का टर्न आउट कितना होता है? EMRV देखिए डिवीजन के अनुसार दिया गया है। यहाँ पर SWR में आपको 25 मिनट दिया गया है, लेकिन अपने डिवीजन के अनुसार सेंट्रल रेलवे में सिंगल एग्जिस्टिंग है तो 20 मिनट, डबल एग्जिस्टिंग है तो 15 मिनट में निकलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षी कर्मचारी को रोस्टर में वर्गीकृत किया गया है अपवर्जित में? ऑप्शन नंबर ए सही है, सी सही है। अगला क्वेश्चन है, तेज हवा में चलने वाली गाड़ियों के लिए खतरनाक माना जाएगा जब हवा का वेग होता है 65 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक अगर होगा तो खतरनाक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आइसोलेशन का प्रकार निम्नलिखित में से नहीं है? तो बैलास्ट साइडिंग नहीं है, ड्रिलिंग सुई से सैंडम है, और साइडिंग विद एडिक्वेट लेंथ है। तो ये तीनों है, बैलास्ट साइडिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, समय पालन रजिस्टर को निम्न में कौन अनुरक्षित करता है? तो मंडल नियंत्रक कार्यालय। ऑप्शन नंबर पहला सही है, डिविजनल कंट्रोल ऑफिस। अगला क्वेश्चन है, मार्शलिंग यार्ड का कार्य निम्न नहीं है, क्या है? पहला है, विलो इज नॉट द फंक्शन ऑफ मार्शलिंग यार्ड, रिसेप्शन ऑफ गार्ड ट्रेन, सॉर्टिंग ऑफ गार्ड ट्रेन, रिफॉर्मेशन ऑफ गार्ड ट्रेन। तो मेंटेनेंस पंचुअलिटी नहीं है, समय पालन नहीं है, और ये तीनों है। अगला क्वेश्चन है, तीनों क्या है? रिसेप्शन ऑफ गुड्स ट्रेन, सॉर्ट ऑफ गुड्स ट्रेन, रिफॉर्मेशन ऑफ गुड्स ट्रेन, ये तीनों है। अगला क्वेश्चन है, लाइन कैपेसिटी को निम्नलिखित में नहीं मापा जाता है? ग्राहम फार्मूला में नहीं मापा जाता है, स्टॉक फार्मूला और GIP फार्मूले और स्टेनबेक फार्मूला में मापा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन दुर्घटना के दौरान ट्रेनों का CPTM के परामर्श से कौन ड्राइवर कर सकता है? तो सीनियर DOM कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। रेल दुर्घटनाओं के दौरान ट्रेनों को CPTM के परामर्श से कौन डाइवर्ट कर सकता है? तो सीनियर DOM। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ वर्किंग का मतलब क्या होता है? सिस्टम एडॉप्ट फॉर द टाइम बीइंग फॉर द वर्किंग ऑफ ट्रेन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन का मतलब क्या है? उपयुक्त मशीन, इंजन विद विदाउट व्हील अटैचिंग, केवल एक इंजन, सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। ट्रेन का मतलब होता है उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है,
टेम्पोररी एकल लाइन में जाने वाली गाड़ी की दिन में गति क्या होगी? ऐसा कुछ नहीं होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। टेम्पोररी लाइन से अगर वो जाता है तो पहली गाड़ी 25 km/h है और दूसरी गाड़ी सामान्य है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक लेवल सेंटर से ओवरलाइज मैक्सिमम हाइट मूविंग डायमेंशन में क्या होता है? 4.115 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। लिखा ट्रैक लेवल सेंटर से ओवरऑल मैक्सिमम हाइट मूविंग डायमेंशन में क्या होता है? 4.115 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, सेंडिंग ऑर्डर का फॉर्म नंबर क्या है? T806 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम रेलवे में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम डबल लाइन के लिए सेक्शन में है बेंगलोर सिटी से व्हाइट फील्ड तक। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला को अथॉरिटी TA912 जारी किया जाता है जब लोकोपायलट को ऑटोमेटिक टेरिटरी में दो सिग्नल ऑन कंडीशन में पास करने हों। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक ट्रेन मैनेजर का उपकरण नहीं है, तो फर्स्ट एड बॉक्स है, 10 डेटोनेटर है, पोर्टेबल फील्ड टेलीफोन है, आयरन चैन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, स्केल 1 मेडिकल चिकित्सा उपकरण कहाँ संग्रहित होते हैं? तो मेडिकल रिलीफ ट्रेन में। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मोटर ट्रॉली सेक्शन में कार्य करती है प्रॉपर लाइन क्लियर पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में बहुसंकेतक सिग्नल प्रणाली में ब्लॉक ओवरलैप पर्याप्त दूरी होता है 180 मीटर। अगला क्वेश्चन है, ART के लिए मॉड्यूल चलाई जाती है, वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, 1:8 × 1/2 कर्व स्विच में 52 से 60 kg रेल की ऊपर टर्नआउट लगे हो तो उसकी स्पीड क्या 15 km/h। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्वेश्चन अपने डिवीजन के अनुसार देखिएगा, कहीं 30 रहता है, कहीं 15 भी रहता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेशन लिमिट का मतलब क्या होता है? रेलवे लाइन जो स्टेशन मास्टर के कंट्रोल में हो, आउट मोटर्स सिग्नल के बीच की रेलवे लाइन विशेष सूचना द्वारा निर्धारित। तो ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, नाइट ड्यूटी क्या होती है? 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, या सन ईस्ट से सनराइज, सन ईस्ट टू सनराइज तक। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक सर्किट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रोवाइडिंग टू टू डिटेक्ट टू प्रेजेंस ऑफ व्हीकल ऑन ट्रैक। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मिक्स ट्रेन होती है तो ये होती है फाइट वैगन विद पैसेंजर कोच, फाइट वैगन विद लाइव स्टॉक ऑफ पैसेंजर कोचेज विद लाइव स्टॉक, ये सभी होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, मॉक ड्रिल आयोजित करने के लिए जिम्मेदारी होता है सीनियर DO। ऑप्शन नंबर सी सही है, सॉरी सॉरी, मॉक ड्रिल आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है सीनियर DSO होता है, सीनियर DSO डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर होता है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ था? 1963 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्राप्तों के उत्तर किस भाषा में दिया जाता है? अगर हिंदी में है तो हिंदी में ही दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, धारा 3 की उपधारा 3 के अंतर्गत पत्र जारी करने वाले किस अधिकारी की जिम्मेवारी राजभाषा में पत्र जारी करने की होगी? पत्र हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किस अधिकारी को होती है? प्रशासनिक विभागाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार के मंत्रालय एवं विभागों में राजभाषा के प्रसार की गति को जांचने के लिए कौन जिम्मेदार है? राजभाषा का संसदीय समिति। ऑप्शन नंबर बी सही है। का क्षेत्र में लगाए जाने वाले नेट प्लेट, साइन बोर्ड, लेटर हेड, इंस्क्रिप्शन किस भाषा में होगी? राजभाषा में। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा संघ के शासित कार्यों में प्रयुक्त करने हेतु किस नियम किस वर्ष में लगाए गए थे? 1976 में। राजभाषा नियम किस वर्ष में बनाए गए थे? 1976 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य काला क्षेत्र में आता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ए बी में आता, पंजाब बी में आता, कर्नाटक सी में आता। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु किस क्षेत्र में आता है? गा क्षेत्र में आता। किसी कर्मचारी को हिंदी में दक्ष मान दिए जाएंगे? आन एम्प्लॉय शैल बी द डिमांड टू हैव द एक्वायर्ड ए वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इफ दी हैज पास्ट हिंदी में मैट्रिक। किसी कर्मचारी को हिंदी में दक्ष मान लिए जाएंगे यदि उसमें निम्नलिखित परीक्षा पास कर ली, हिंदी में मैट्रिक। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो फिर लाइन में। धन्यवाद।